मर्डर बिहार के बाद अब यूपी में भी जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा लहराने का मामला सामने आया है। अब सवाल ये कि क्यों आखिर मुहर्रम जुलूस के दौरान ये फिलिस्तीनी झंडे लहराए जा रहे हैं, तिरंगे के साथ झंडे लहराए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पहले बिहार और अब यूपी में फिलिस्तीन का झंडा लहराने का मामला सामने आ चुका है। मुहर्रम के जुलूस में आखिर फिलिस्तीनी झंडे का क्या काम है, सवाल यही है। आखिर क्यों इस जुलूस में तिरंगे के साथ फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया। दरअसल ताजा मामला यूपी के कानपुर का है, जहां तिरंगे के साथ फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन का झंडा लहराए जाने का 31 सेकंड का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। हालांकि रिपब्लिक भारत इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता। फिलिस्तीनी झंडे वाला वीडियो वायरल होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। डीसीपी सेंट्रल ने एसीपी करनैलगंज को मामले की जांच सौंपी। मेरी जानकारी के मुताबिक वीडियो ग्वालटोली थाना इलाके का है, जहां पर मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था। भीड़ में किसी ने भारत के झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहरा दिया। देखिए, इसमें सोशल मीडिया से माध्यम से पुलिस को जानकारी मिली है कि कोई झंडा वगैरह फहराया गया है, जिसपे कुछ मीडिया वाले भी इस पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो इसकी जांच कराई जा रही है। कौन था झंडा, किस किसका था और कौन उसे फहरा रहा था, इस बारे में पूरी हम जांच करा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बिहार के दरभंगा में भी मुहर्रम जुलूस के दौरान एक युवक ने फिलिस्तीन का झंडा लहराया। युवक ने फिलिस्तीनी समर्थन वाला टी शर्ट भी पहन रखा था। हालांकि दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी ने देखते ही युवक से झंडा जब्त कर लिया। युवक का झंडा लहराते हुए किसी ने वीडियो बना लिया, जो कि सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। घटना मुहर्रम के पहले दिन मिट्टी लाने की रस्म के दौरान की बताई गई। मामला पुलिस तक पहुंचा तो प्रशासन ने फौरन कार्रवाई का आश्वासन दिया। साथ ही दोषियों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा, ये भरोसा भी जताया गया। बीजेपी ने दरभंगा घटना की कड़ी निंदा की। बीजेपी ने आरोप लगाया कि शरारती तत्वों को ये हिम्मत ओवैसी के सदन में फिलिस्तीन वाले नारे से मिली है। जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगाया, तो असदुद्दीन ओवैसी के उस भाषण की वजह से बहुत सारे जिलों में फिलिस्तीन के झंडे लेकर लोग बाहर निकलने लगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के अवसर पर फिलिस्तीन के झंडे और फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगने लगे। अगर देश में कहीं पर भी ओवैसी के भाषण की वजह से अगर कहीं पर दंगा फसाद हो जाता है, तो इसका जिम्मेवार कौन, मैं पूछना चाहता हूँ। आपको बता दें, एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ के दौरान फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी की थी। ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा था, जिसकी सदन से लेकर सड़क तक कठोर निंदा की गई। ओवैसी साहब से सवाल किए गए कि सदन में जय फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया गया, लेकिन ओवैसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, किसी राजनेता जिसके हजारों नहीं लाखों लोग सुनते हैं, उनकी बातों का एक खासा वर्ग पर खास प्रभाव पड़ता है। उन लोगों को अपने बयान सोच समझ कर देने चाहिए। इन बयानों का नतीजा इन जुलूसों में लहराते फिलिस्तीन के झंडे दे रहे हैं कि आपके एक बयान का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करते हैं जल प्रलय की, क्योंकि बारिश के कारण उत्तर भारत के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। जहां लैंडस्लाइड से पहाड़ी इलाकों में कई रास्ते बंद हो चुके हैं, गुजरात और मुंबई में बाढ़ जैसे हालात देखे जा रहे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की भी कुछ ऐसी ही स्थिति देखी जा रही है, जहां कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में आसमानी आपद का साया है। मॉनसून ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। नतीजन पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण तक बाढ़ बारिश से हाहाकार है। कहीं बारिश से सड़कें लबालब हैं, तो कहीं गाड़ियां बारिश में कागज की नाव की तरह पानी में तैरती दिखाई दे रही हैं। आलम यह है कि अब बारिश से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है।
ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर की है, जहां बाढ़ के चलते मगरमच्छ सड़क पर घूमता दिखाई दिया। इतना ही नहीं, रास्ता भटककर आबादी वाले इलाके में घुसा ये मगरमच्छ जब पेट्रोल पंप की केबिन में घुसने की कोशिश करने लगा तो लोगों की नजर इस पर पड़ी और अफरा तफरी मच गई। तो वहीं शाहजहांपुर से ही आई दूसरी तस्वीर देखकर आप कम हैरान नहीं होंगे, क्योंकि एक तरफ तो हालत ये है कि बारिश के चलते आम जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है, तो दूसरी तरफ प्रिंसिपल साहब के कपड़े न भीगे इसके लिए प्रिंसिपल साहब ने स्ट्रेचर का सहारा ले लिया। ये जनाब शाहजहांपुर के पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब है, जो की मेडिकल कॉलेज में पानी भर जाने से अंदर फंस गए थे, जिससे वो पानी में उतरने के बजाय स्ट्रेचर पर बैठ कर बाहर आते नजर आए। इन अजब गजब तस्वीरों के बाद अब बात यूपी के उन इलाकों की, जहां बाढ़ से स्थिति डराने वाली है, क्योंकि राप्ती नदी खतरे के निशान से 43 सेंटीमीटर ऊपर बहने के साथ ही उफान पर है। नदियों के बढ़ते हुए जलस्तर के कारण अब 25 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। हालात ये हैं कि प्रशासन को लोगों के आने जाने के लिए नाव का इंतजाम करना पड़ रहा है। देखिए, कई गांव ऐसे हैं जहां पे तटबंध बने हुए हैं और तटबंधों से जो है लोग आ जा रहे हैं, लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जो इतने इंटीरियर में हैं और वहां पे सिर्फ खेत, पहले भी बारिश के पहले भी लोग खेत से ही आते जाते थे, अब उन खेतों में क्योंकि पानी भर गया है इसलिए जो नाव हैं और मोटर बोट्स हैं उसी से आवागमन हो रहा है। और हम लोगों ने जो लोकल नाविक हैं उन लोगों को भी ड्यूटी लगाई हुई है, हमारे पुलिस के लोग भी इसमें लगे हुए हैं, फ्लड पीएसी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी लोग यहाँ लगे हुए हैं। ताजा खबर लाएंगे, सुबह सवेरे बताएंगे, पूरा सच दिखाएंगे, सिस्टम को जगाएंगे। जान उठा भारत, देखिए सुबह 7 से 9 सिर्फ रिपब्लिक भारत पर।